हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, इससे पहले वाला जो वीडियो था ना, उसमें हमने रदरफोर्ड मॉडल की कमियां कंप्लीट की थी। मतलब रदरफोर्ड की जो कमियां थी, 6 कमी मैंने बताई थी। तो रदरफोर्ड की कमियां हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ ली थी। आज का जो लेक्चर रहेगा ना, वो रदरफोर्ड से आगे वाला मॉडल है। वो मॉडल कौन सा है? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। और ये चीज भी सुन लो, नील्स बोर ने अपना मॉडल रदरफोर्ड की कमियों को पूरा करने के लिए ही दिया है। बात समझ में आ गई? रदरफोर्ड की कमियों को पूरा करने वाला जो मॉडल है ना, वही कौन सा है? नील्स बोर का मॉडल। वो तो आपको पता है, अगर कोई साइंटिस्ट कमी छोड़ेगा तो नया मॉडल आएगा, और जो नया मॉडल आएगा वो पहले वाले मॉडल की कमियों को क्या करेगा? पूरा। तो जो नील्स बोर मॉडल है, उसमें आपको सब चीजें पता लग जाएगा कि रदरफोर्ड ने जो जो कमियां छोड़ी थी ना, वो कैसे पूरी हो सकती है। ओके, तो रदरफोर्ड मॉडल की फर्स्ट ड्रॉबैक क्या थी, पहली कमी क्या थी बताओ? रदरफोर्ड मॉडल की जो पहली कमी थी वो ये थी कि रदरफोर्ड को इतना तो पता था कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन नाभिक के चारों तरफ स्थायी वृत्ताकार कक्षाएं कितनी होती है वो नहीं पता था। तो इस चीज को एक्सप्लेन किया किसने? नील्स बोर ने। किसने एक्सप्लेन किया? नील्स बोर। अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, नील्स बोर ने जो नाभिक के चारों तरफ पाई जाने वाली जो कक्षाएं हैं, उनको के, एल, एम और एन से संबोधित किया। मतलब के का मतलब पहली क्लास, एल का मतलब दूसरी क्लास, एम का मतलब तीसरी क्लास और एन का मतलब चौथी क्लास। ये बात रदरफोर्ड को पता नहीं थी। नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं पाई जाती है, जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, देखो ऐसे, जैसे ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। अब इन कक्षाओं की संख्या का पता नहीं था किसको? रदरफोर्ड को। तो ये पहली कमी थी जिसको पूरा कर दिया नील्स बोर ने। उन्होंने साफ साफ एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो कक्षाएं हैं चारों तरफ, वो के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और जो भी आगे वाली कक्षाएं, वो के, एल, एम, एन नाम से जानी जाती है। के का मतलब पहली कक्षा, एल का मतलब दूसरी कक्षा, एम का मतलब तीसरी कक्षा और एन का मतलब चौथी कक्षा। ये लो, पहला पॉइंट तो क्लियर। दूसरी कमी क्या थी? दूसरी कमी ये थी कि प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये रदरफोर्ड को पता नहीं था, लेकिन बोर ने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर किसी शेल या किसी ऑर्बिट के अंदर या किसी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2m², जहां पर n क्या है? n है कोस की संख्या। n क्या है? कोस की संख्या। n का मान आप 1, 2, 3, 4 डाल सकते हो। n का मान डालते जाओ और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते जाओ। जैसे बात करें फर्स्ट कक्षा के लिए, फर्स्ट कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, फॉर्मूला क्या यूज करोगे? 2n² n का मान कितना ले लिया? 1। पहली कक्षा के लिए निकाल रहा ना, तो 2 1 का स्क्वायर, 2 1 × 1 कितना आया? 2। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। निकल गया ना इस फॉर्मूले से। ऐसा ही आप सेकंड के लिए निकाल सकते हो, 2n² n का मान कितना ले लिया? 2 ले रखा है ना, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 × 2 कितना आया? 8। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 8। ऐसे आप थर्ड क्लास के लिए निकाल सकते हो, 2n² n की वैल्यू 3, तो 2 3 का स्क्वायर, 2 × 3 × 3 कितना आया? 18। तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। ऐसे आप फोर्थ क्लास के लिए निकाल सकते हो, 2n² 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 4 × 4 कितना आया? 32। ये लो, ये एक्सप्लेन हो गया। देखो, नाभिक के चारों तरफ स्थायी वृत्ताकार कक्षा कितनी होती है? 4, k, l, m, n। k मतलब पहली कक्षा, l का मतलब दूसरी कक्षा,
एन का मतलब तीसरी कक्षा और एन का मतलब चौथी कक्षा। ओके, प्रत्येक कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज करो, एन का मान डालते जाओ, एन का मान एक डालोगे तो पहली कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एन का मान दो डालोगे तो दूसरी कक्षा के लिए, तीन डालोगे तो तीसरी कक्षा के लिए, चार डालोगे तो चौथी कक्षा के लिए। हमने निकाल लिया पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, दूसरी कक्षा में आठ, तीसरी कक्षा में अठारह, चौथी कक्षा में बत्तीस। बात समझ में आ गई? तो रदरफोर्ड की दो कमियां पूरी हुई अकॉर्डिंग टू मॉडल ऑफ नील्स बोर। नील्स बोर मॉडल के अनुसार रदरफोर्ड की दो कमियां तो क्या हो चुकी है, कंप्लीट। नाभिक के चारों कक्षाओं का भी पता लग गया और प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या का भी पता लग गया। अब रदरफोर्ड की तीसरी कमी क्या थी? तीसरी कमी ये थी कि प्लैंक और क्वांटम ने यह बताया था कि अगर कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो घूमते घूमते वो एनर्जी मुक्त करता है, और एनर्जी मुक्त होगी तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, और ऊर्जा में कमी आते 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 वो आवेशित कण उस वृत्ताकार पथ के मध्य में आकर गिर जाना चाहिए। तो ठीक यही बात अप्लाई करें इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन भी आवेशित कण है, वो भी नाभिक के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन की कमी में वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी और वो घूमते 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 नाभिक में आकर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? रदरफोर्ड तो फेल हो गया था। इसका जवाब दे रहा कौन? नील्स बोर। देखो कैसे, रदरफोर्ड की तीसरी कमी को पूरा करने जा रहा है। तीसरी कमी देखो, तीसरी कमी जिसमें ये क्या है, ये नाभिक है और इसके चारों तरफ क्या बनी है, ये कक्षा है और इस कक्षा में कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब प्लैंक क्वांटम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है तो इसकी ऊर्जा में कमी होनी चाहिए और कमी आते 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 इलेक्ट्रॉन नाभिक में आकर गिर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सुनो, देखो इलेक्ट्रॉन पर एक बल काम करता है और जो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वो बल लगा रहा है नाभिक। नाभिक इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है और ये इस बल की दिशा कहां पर होती है, अंदर की तरफ, नाभिक की तरफ। तो नाभिक के द्वारा लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, नाभिकीय आकर्षण, नाभिकीय आकर्षण बल। तो आप बात समझ में आ रही ना, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा एक बल काम करता है और वो बल लगाता है नाभिक। तो नाभिक तो अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपनी तरफ खींचेगा। तो आप सोच रहे होंगे सर अब तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली किस में जाना चाहिए, नाभिक में, क्योंकि नाभिक खींच रहा ना। तो देखो इस बल को आप नाभिकीय आकर्षण बल भी बोल सकते हो और किसी वृत्ताकार पथ पर उस वृत्ताकार पथ के सेंटर पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु की ओर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, इसको अभिकेंद्रीय बल भी बोल सकते हैं या अभिकेंद्रीय बल। कोई गोला है ना, उस गोले के बीच में मिड पॉइंट पर अंदर की तरफ लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। तो अकॉर्डिंग टू सर्कल, सर्कल के अनुसार इसको हमने क्या बोला, अभिकेंद्रीय बल, और नाभिक के अकॉर्डिंग क्या बोल दिया, नाभिक आकर्षण बल। एक ही बात है, अंदर की तरफ होती है दिशा। तो आप सोच रहे होंगे सर इलेक्ट्रॉन अब तो आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो इसलिए क्योंकि एक बल तो लगा रहा नाभिक और उसकी दिशा अंदर की तरफ, लेकिन एक बल है वो बाहर की तरफ लगता है, और ये जो बाहर की तरफ बल लगता है ना, ये बल लगाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। और ये बल कैसे पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण, इलेक्ट्रॉन के घूर्णन गति के कारण बाहर की ओर एक बल लगता है और इस बल का नाम है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। तो आप सोचो एक बल लग रहा है अंदर अभिकेंद्रीय, एक बल लग रहा है बाहर, और दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। एक बल अंदर लग रहा है, एक बल बाहर लग रहा है, तो यहां वाली जो चीज है वो कहीं नहीं जाएगी, वो अपनी जगह स्ट्रगल रहेगी। इसको अंदर नहीं खींचा जा सकता, इसको बाहर भी नहीं खींचा जा सकता। तो जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, मेरे को 10 न्यूटन बल से इधर खींचा जा रहा है, 10 न्यूटन बल से इधर खींचा जा रहा है, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी जगह पर रहूंगा।
ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है, इस पर दो बल काम कर रहा है, एक बल तो अंदर की तरफ नाभिक लगा रहा है, एक बल बाहर की तरफ खुद इलेक्ट्रॉन पैदा कर रहा है, अंदर वाले को भी केंद्रीय, बाहर वाले को अपकेंद्रीय, दोनों बल बराबर लग रहे हैं, तो ना तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ पाएगा ना इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाएगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि इलेक्ट्रॉन को कभी नाभिक में नहीं लाया जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन को बाहर जरूर निकाल सकते हैं। बाहर कैसे निकालोगे? अभी केंद्रीय बल बढ़ाकर, मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप बाहर से सेल या बैटरी जोड़कर बल बढ़ा सकते हो, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है। लेकिन अंदर नाभिक का बल आप थोड़ी बढ़वा सकते हो, नाभिक तो जितना लगाएगा लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं लाया जा सकता, हालांकि इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाया जा सकता है। तो बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में आके क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि इस पर दो बल काम करते हैं और दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। खत्म बात। रदरफोर्ड की जो चौथी कमी थी वो ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कोष से उच्च कोष में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण। उच्च कोष से निम्न कोष में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण। इससे एनर्जी का एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, ऊर्जा का एक ग्रुप बन जाता है, एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, और वो स्पेक्ट्रम कैसा बनता है, रेखिक। ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था, वो स्पेक्ट्रम सतत नहीं बनता। अब क्यों नहीं बनता? जो स्पेक्ट्रम है वो सतत ना बनकर कैसा बनता है, रेखिक। ये नहीं बनता, ये बनता है, मतलब स्पेक्ट्रम ऐसा बनना चाहिए, जबकि बन कैसा रहा है, ऐसा। स्पेक्ट्रम तो ये बनना चाहिए ना सतत, बन कैसा रहा है, ऐसा। तो देखो स्पेक्ट्रम सतत ना बनकर रेखिक क्यों बनता है वो भी सुन लो, वो इसलिए है। इस चीज को प्लैंक और क्वांटम ने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि इस प्रकृति के अंदर जो सबसे बड़ा ऊर्जा का उत्पादक है वो है सूर्य। वो कौन है, सूर्य है, ये मान लो पृथ्वी है। अब सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें धरती पर पहुंचती है वो भी सतत नहीं आती है, वो भी किस रूप में आती है, रेखी क्रम में आती है। मतलब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें या सूर्य से आने वाली ऊर्जा ये भी सतत नीचे नहीं आती है, ये भी किस रूप में आती है, रेखिक रूप में आती है। मतलब सीधी सी बात है कि ऊर्जा कभी भी सतत रूप में नहीं आ सकती, ऊर्जा हमेशा छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है। देखो एक बार इसको मिटा दूं, ध्यान देना। चौथी कमी क्या है, स्पेक्ट्रम सतत ना मिलकर कैसा मिल रहा है, रेखिक। ये सन है, ये क्या है, हाँ। अब सूर्य से प्रकाश नीचे पहुंचता है, सूर्य से प्रकाश किसके ऊपर आ रहा है, अर्थ के ऊपर, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। अब प्लैंक और क्वांटम ये कहते हैं कि प्रकृति का सबसे बड़ा ऊर्जा का उत्पादक सूर्य है। अब सूर्य की ऊर्जा ही सतत नहीं आ सकती, सूर्य की ऊर्जा किस रूप में आ रही है, रेखिक रूप में आ रही है। मतलब सीधा सीधा मतलब यही है कि ऊर्जा कभी भी सतत ना आकर हमेशा छोटे छोटे बंडल के रूप में आती है। मतलब ऊर्जा बिल्कुल सीधी नहीं आएगी, ऊर्जा ऐसे छोटे छोटे बंडल में आएगी, ऐसे। ये ऊर्जा के क्या है, छोटे छोटे बंडल, और इन ऊर्जा के बंडलों को क्या बोलते हैं, हम फोटोन या क्वांटा। तो ध्यान रहे ऊर्जा कभी भी लगातार नहीं आती है, चाहे वो सूर्य की हो, चाहे बल्ब की हो, चाहे टॉर्च की हो, एनर्जी कभी भी लगातार नहीं आती, एनर्जी हमेशा छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है, और ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल क्या कहलाते हैं, फोटोन या क्वांटा। अब आप सोचो जब सूर्य इतना बड़ा एनर्जी का प्रोड्यूसर है, वही एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं भेज सकता, वही ऊर्जा कैसे भेज रहा है, लीनियर, मतलब बंडल के रूप में भेज रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन तो छोटी मोटी चीज है। जब सूर्य की ऊर्जा ही सतत नहीं आ रही है तो इलेक्ट्रॉन की कहां से आएगी। तब इस चीज का निचोड़ निकाला गया और ये स्टेटमेंट दिया गया कि ऊर्जा कभी भी सतत रूप से नहीं आती है, ऊर्जा हमेशा छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है। ये सतत रूप है, बिल्कुल सीधा,
और ये जो डॉट डॉट दिख रहा ना ये रेखिक है, मतलब ऊर्जा हमेशा छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है और इन छोटे बंडलों को क्या बोलते हैं, फोटोन या क्वांटा। तो ये चीज एक्सप्लेन किया बाद में किसने, प्लैंक और क्वांटम ने, तब जाके बात समझ में आई कि स्पेक्ट्रम सतत ना मिलकर कैसा मिलता है, रेखिक, क्योंकि ऊर्जा सतत आ ही नहीं सकती, ऊर्जा तो रेखिक रूप में आती है, ऊर्जा तो छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है। समझ गए होंगे, तो ये चार कमी तो पूरी होगी किसकी, रदरफोर्ड की। देखो नील्स बोर ने एक चीज और बताई थी, वो हम पॉइंट नंबर 5 के रूप में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ध्यान से पढ़ना, बहुत बड़ी बात है। नील्स बोर ने एक बात और बताई थी कि इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है, यू नो वेरी वेल, हम इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहां पर घूमता है, कक्षाओं में घूमता है। तो ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूम सकता, पहली बात इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूमता, वो एक फिक्स जगह पर, मतलब नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं बनी हुई ना, वो हर जगह कक्षाएं नहीं बन सकती। और इलेक्ट्रॉन भी हर जगह नहीं घूमती, जहां मन किया वहीं इलेक्ट्रॉन घूमने लग गया, नहीं। तब नील्स बोर ने एक बात बताई कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिन कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π राशि के पूर्ण गुणज होता है। काफी बड़ी बात है, एक बार लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π राशि के पूर्ण गुणज होता है। देखो समझना ध्यान से, बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π, आप यहां से n हटा भी सकते हो, H/2π राशि के पूर्ण गुणज होता है। जैसे समझना, मान लो मैं हाइड्रोजन परमाणु का डायग्राम बनाऊं, ये हाइड्रोजन का नाभिक और ये हाइड्रोजन के परमाणु की नाभिक के चारों तरफ पहली कक्षा। तो अब ये नाभिक से लेकर, देखो पहली कक्षा, अभी पहली कक्षा हम हर किसी जगह पर नहीं बना सकते कि कक्षाएं कहां बनाई जाती है। कक्षा का मतलब हो गया परमाणु की त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई, क्योंकि नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली कक्षा के लिए जो त्रिज्या होती है ना, वो होती है 53 picometer, कितनी होती है 53 picometer। फिर ये दूसरी कक्षा, ये सबके लिए नहीं बता रहा मैं, ये सिर्फ किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए। मैं क्या बता रहा हूं समझना ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कोई एरा गेरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमता है। और कक्षाएं कहां पर होती है, वो हम चाहे जिंक चाहे जहां पर कक्षाएं नहीं बना सकते। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो पहली कक्षा कितनी दूरी पर होती है, 53 picometer पर। ये 53 कैसे आया वो भी बता दूंगा मैं। दूसरी कक्षा हाइड्रोजन परमाणु के लिए कहां पर होती है, दूसरी होती है 212 picometer, 212 picometer। ऐसी तीसरी कक्षा होती है, ऐसी चौथी, ये बोर्ड पर जगह नहीं है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो पहली कक्षा है, मतलब ये है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 53 picometer की दूरी पर ही घूमेगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां पर भी घूम लेगा, नहीं, ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन भी यहां पर घूम लेगा, नहीं। हम चाहे जहां पर कक्षा नहीं बना सकते, चाहे जहां पर कक्षा नहीं बना सकते। देखो इलेक्ट्रॉन कहां पर घूमेगा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली कक्षा की दूरी कितनी है, 53 picometer की दूरी पर ही जाकर कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हाइड्रोजन कितनी दूर, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर जाकर घूमेगा, 212 picometer।
212 पिकोफैरड। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, नहीं चांस ही नहीं है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कक्षाओं में पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता। अब देखो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एच अपॉन 2π राशि के पूर्ण गुणज होता है। समझना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग कितना होता है, एम वी आर। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा संवेग क्या होता है, संवेग होता है पी बराबर एम वी, पी बराबर एम वी, एम वी यहां पर डाल रखा है। आर क्या है, आर ये त्रिज्या आ गई, अभी समझ में आ जाएगा, पढ़ते चलो। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एम वी आर बराबर होता है एन एच अपॉन 2π के, एन एच अपॉन 2π के, मतलब एक बार एन को हटा दो आप, अगर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एम वी आर का मान इस राशि के पूर्ण गुणज हो, मतलब पूरा पूरा जाता हो, अगर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इस राशि के पूर्ण गुणज हो, इस मतलब इस राशि के साथ पूरा पूरा मिलान करता हो, इस राशि के साथ पूरा पूरा मैच करता हो, मान लो एम वी आर एन एच अपॉन 2π, तो n जो है n का मान हम यहां पर बदल बदल कर ले सकते हैं, n मतलब कक्षा की संख्या, 1, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकता है, n का मान कितना भी हो सकता है। अगर हमने n का मान 1 ले रखा है, n का मान कितना ले रखा है, 1 ले रखा है, तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूमेगा। अगर हमने n का मान कितना ले रखा है, 2 ले रखा है, तो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूमेगा। अगर n का मान 3 है तो इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में घूमेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग अगर 1h/2π का पूर्ण गुणज है तो पहली कक्षा में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 2h/2π है तो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूमेगा। और एक पूर्ण गुणज का मतलब है कि जब आप इनके मान डालोगे ना, जब आप इसको सोल्व करोगे, जैसे इलेक्ट्रॉन का mvr कोणीय संवेग आप निकाल रहे हो, तो n का मान तो ले लिया 1, h क्या क्या है यहाँ पे, h है प्लैंक नियतांक, ध्यान देना h क्या है यहाँ पे, h है प्लैंक नियतांक, वही प्लैंक जिसके भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, प्लैंक क्वांटम। h का मान कितना होता है, h का मान होता है 6.67 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, ये किसका मान है, h, तो h का मान डाल दिया यहाँ पे 6.67 × 10, 2 आप जानते ही हो, पाई का मान आप जानते हो 3.14। अगर आप इसको सोल्व करोगे, अगर आप इसका इसको सोल्व करोगे तो इसका मान पूरा पूरा आना चाहिए, डेसिबल में मान नहीं आना चाहिए, अगर मान 1 आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूमेगा, अगर मान 2 आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में, और अगर मान कितना आ रहा है 3 तो इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में। बात समझ में आई, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनमें उसका कोणीय संवेग एम वी आर इस राशि का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज, पूरा पूरा होना चाहिए। अगर मान मान लो 3.25 आ रहा है तो गलत है, बताओ 3.25 कौन सी क्लास होगी, यहाँ पर पता लगा सकता हूँ, तीसरी क्लास तो मान लिया मैं, 25 का एड करो 0.25, अगर 3 आता तो मान लेते हैं सर तीसरी क्लास में घूमेगा, 4 आता तो चौथी क्लास में, तो मान पूर्ण होना चाहिए, मान अपूर्ण नहीं होना चाहिए। अब बात समझ में आई, एम वी आर का जो मान है ना वो इस राशि के क्या होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए। अब आप एन का मान 1 लोगे तो पहली कक्षा, 2 लोगे तो दूसरी कक्षा, 3 लोगे तो तीसरी कक्षा। हाँ मैं ये कह रहा था, ये जो त्रिज्या है ना हाइड्रोजन के लिए तरेपन कैसे है, त्रिज्या आप यहां से निकाल सकते हो, एम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वी क्या है इलेक्ट्रॉन का वेग, आर क्या है इलेक्ट्रॉन की इसकी त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। अब आप R का मान निकाल सकते हो यहां से, अगर N का मान 1 ले लिया आपने तो R आप यहाँ R रखोगे, NH अपॉन MV कहां चला जाएगा, MV into 2π, तो R का मान आ जाएगा। अगर 1 ले रखा है आपने N का मान तो पहली कक्षा की त्रिज्या निकल जाएगी, N का मान 2 ले रखा है तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या, N का मान 3 ले रखा है तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या। समझ में आया पॉइंट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, हर कोई नहीं बताता ये चीजें,
इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनमें कोणीय संवेग mvr इस राशि का पूरा पूरा हो। अगर मान पूरा पूरा जा रहा है तो जो अंतर आ रहा है इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमेगा। और आप त्रिज्या का भी पता लगा सकते हो, यहाँ से r का मान निकाल सकते हैं ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं 9.8 × 10⁻³⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है ही, n का मान है, h का मान है, सबका मान डालो, r की वैल्यू निकालते हो, बस ये पॉइंट था। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूमेगा जहां पर कोण संवेग h/2π रास्ते के क्या होगा, कोण गुणज। ओके, ये नील्स बोर मॉडल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट मॉडल आएगा, सॉरी नील्स बोर की बार कोई मॉडल नहीं है, अब एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है इसमें, नील्स बोर मॉडल की कमियां, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम तत्वों की आवर्तता मतलब पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक चालू कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।